हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज एक और गणित की वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज नंबर एक हमने कंप्लीट कर ली है बच्चों। आज हम जो एक्सरसाइज नंबर टू है उसकी शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों आज की क्लास और आज की क्लास के जो क्वेश्चन है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 sin inverse x = sin inverse 3x - 4x³, ये हमें लेकर आना है। x का मान माइनस बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से प्लस 1/2। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, माना आप साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लें। तो यहाँ से अब जब हम देखेंगे तो बच्चों यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा का वैल्यू है हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेंगे बच्चों। राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड क्या हमारी साइन इनवर्स 3x - 4x³। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे अपना जो वैल्यू है x का आप रखेंगे 3 sin θ - 4 sin³θ। बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है साइन 3θ का फॉर्मूला होता है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 3θ। तो बच्चों यहाँ से ये साइन 3θ का फॉर्मूला होता है। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पे बचेगा 3θ। अब थीटा का जो वैल्यू है बच्चों यहाँ से ये है साइन इनवर्स एक्स। थीटा का मान रखने पर जब आप थीटा का वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो आप यहाँ पे देखेंगे थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 sin inverse x, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो इस प्रकार हमने क्या करा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया है बच्चों आपको, 3 cos inverse x = cos inverse 4x³−3 − 3x, x belongs to 1/2 से 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, माना cos inverse x बराबर थीटा मान लो। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा cos थीटा। अब x का मान जो है वो राइट हैंड साइड लेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पे cos inverse 4 cos θ³ − 3 cos θ। तो ये आ जाएगा आपका, देखो ये जो फॉर्मूला होता है cos 3θ का होता है बच्चों, तो ये आ जाएगा cos inverse cos 3θ। तो यहाँ cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बचेगा बच्चों यहाँ पे 3θ। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे 3θ हमारा आ गया थीटा का वैल्यू रखने पर। थीटा का मान रखने पर जब आप थीटा का मान रखेंगे तो 3 cos inverse x, और ये हमारी क्या थी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हमने अपने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर थ्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, इसका हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, माना यहाँ पे आप मान लें बच्चों एक्स बराबर टेन थीटा। यहाँ पे मैंने एक्स बराबर टेन थीटा मान लिया। अगर मैं यहाँ बात करूँ थीटा की, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू कितना आएगा हमारा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स आएगा। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया हुआ है टेन इनवर्स, और यहाँ पे मैं एक्स की जगह रखूँगा टेन थीटा, उसका स्क्वायर अपॉन टेन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका ये क्या है, वन अंडर रूट में 1 + x² - 1 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये 1 भी साथ में है तो इसको लेकर चलेंगे 1 प्लस। अब हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये होता है बच्चों टेन इनवर्स sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/10θ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, टेन इनवर्स यहाँ पे स्क्वायर से कट जाएगा अंडर रूट sec थीटा माइनस 1/10θ। क्लियर है, आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं sec थीटा को ब्रेक करूँगा, इसको मैं ब्रेक करूँगा बच्चों टेन इनवर्स, इसको मैं ब्रेक करूँगा यहाँ पे 1 अपॉन
कोस थीटा माइनस वन, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे ये बिल्कुल इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, वन माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है? अब यहाँ देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जाएगा बच्चों टेन इनवर्स वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा अपॉन टू इंटू कोस थीटा अपॉन टू। मैं इन दो फॉर्मूलों का यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूँगा। बच्चों त्रिकोणमिति के फॉर्मूले जो आपकी क्लास ट्वेल्थ की बुक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज है, इलेवेंथ क्लास का, इसलिए बोलते हैं कि इलेवेंथ क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो बेहद ज़रूरी है क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स को सीखने के लिए। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे भाई टेन इनवर्स वन माइनस वन। अब देखो जब माइनस बाहर है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। अब बच्चों डिवाइड में आ जाएगा आपका ये टू साइन थीटा अपॉन टू कोस थीटा अपॉन टू। बच्चों यहाँ एक से तो एक कैंसिल करूँगा मैं, आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ लिखूँगा मैं टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू टू साइन थीटा अपॉन टू कोस थीटा अपॉन टू। बच्चों टू से टू गया, साइन से साइन गया, यहाँ बचेगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन टू अपॉन कोस थीटा अपॉन टू। अब देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन टू। यहाँ से मेरा आ जाएगा टेन से टेन कैंसिल, तो यहाँ थीटा अपॉन टू। बच्चों अब थीटा का वैल्यू जो हमारा आया था वो आया था बच्चों थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक बटे दो टेन इनवर्स एक्स। तो ये इसका क्या होगा, क्वेश्चन का हल होगा, ये इसका एक सरलतम रूप होगा। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रश्न नंबर चार। अब प्रश्न नंबर चार कल देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको दिया है टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। बच्चों यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको लिखूंगा टेन इनवर्स और आपका अंडर रूट में दे रखा है वन माइनस कोस एक्स वन प्लस कोस एक्स। यहाँ पे कोस एक्स का फॉर्मूले होते हैं दो, मैंने अभी भी बताया था वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, और एक कोस एक्स का फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन। ये दो फॉर्मूले मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रयोग करूँगा, जब प्रयोग करूँगा तो यहाँ पे टेन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा ये अंडर रूट में वन माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला, कोस एक्स का फॉर्मूला वन प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है भाई, टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। क्लियर? और यहाँ नीचे क्या होगा ध्यान से देखें, वन प्लस कोस टू एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन। क्लियर है भाई? माइनस वन से प्लस वन, प्लस वन से माइनस वन, यहाँ पे कैंसिल। बच्चों आपके पास बचेगा टेन इनवर्स अंडर रूट में टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। क्लियर है? अब टू से टू को मैं कैंसिल करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू और कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये बन गया बच्चों आपका टेन इनवर्स अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, यहाँ पे आपका बन जाएगा। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे बचेगा टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन टू। यहाँ से बच्चों टेन से टेन, तो आपका एक्स अपॉन टू क्या होगा, इसका
उत्तर होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। अब हम बच्चों अगली जो वीडियो है उसमें कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे, लगभग 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो आप आशा है कि नित्यम क्लासेस में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन जो भी आपको टॉपिक कराया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपको साथियों मेहनत करनी है बच्चों, और मेहनत करके अपने दम पर आपको ये साबित करना है कि आपके अंदर कितनी अक्षमता है, आप बोर्ड में इस बार कितना कर पाओगे, सिर्फ डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। यदि आप अपनी मेहनत को लगन से जी जान लगाकर एकचित होकर अपना जो गोल आपने सेट किया है उसके अनुरूप आप कार्य करेंगे तो निश्चित है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप जरूर सफल होंगे। यदि आप लापरवाही करेंगे, अपने मार्ग से भटकेंगे, अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अपने लक्ष्य के पीछे, अपना जो टारगेट आपने बनाया है यूपी बोर्ड में कितने परसेंट आपको नंबर लेकर आने हैं, आप अपने नोट्स बनाइए, बार बार अभ्यास के क्वेश्चन के प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपसे पॉसिबल हो सकता है उस प्रयास को आप कीजिए। हम भी आपके सहायक हैं, और हम भी थोड़ा थोड़ा जो अपना अनुभव है, जो अपनी नॉलेज है, उसको आपको आगे बढ़ाने में आपको सहायता करेंगे। तो बच्चों नित्यम क्लासेस हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, आज भी और हमेशा भी। तो नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।